Good morning, students. I'm Sakshi Gupta, and today I'm going to tell you the answers of our homework number 4. So let's get started. तो स्टूडेंट्स इसमें हमने पढ़े थे राइमिंग वर्ड्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके ऐसे दो या दो से अधिक शब्द जिनकी सिमिलर या सेम एंडिंग साउंड्स होती हैं, मतलब जिनकी अंतिम आवाजें जो निकलती हैं वो कुछ मिलती जुलती होती हैं. आई गिव यू एग्जाम्पल, जैसे आप कह सकते हो किंग रिंग सिंग विंग, लास्ट में सबके इंग आई एन जी वर्ड आ रहा है, तो ये आपका राइमिंग वर्ड है, राइमिंग सेट हुआ है आपका. सिमिलरली हम बोल सकते हैं बॉल फॉल मॉल टॉल. अब आप देखो सबके एंड में ऑल वर्ड आ रहे हैं, तो कुछ यहां पे भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं हमने, कैट हैट रैट बैट मैट सैट पैट बॉल फॉल मॉल टॉल बैक पैक ग्रैक सैक. स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें आप लोग मेरे पास क्या करके भेज रहे थे, आप लोग ये लिखते थे जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉक्स फॉक्स, यहाँ पे टू ही लिखे हैं मैंने, तो आप लोग इसी के आगे कैप मैप टैप लैप को अटैच कर रहे थे इसी के साथ ही. अब एक बात सोचो, जब हम बोलेंगे बॉक्स फॉक्स कैप मैप टैप लैप, अब स्टार्टिंग से देखो कोई रिदम बन रही है इनकी. बॉक्स फॉक्स ही अपने में बॉक्स फॉक्स एक राइमिंग सेट है, अपने में ही कैप मैप टैप लैप एक राइमिंग सेट है, आप उनको ज्वाइन मत करो. तो लाइंस आइदर वर्टिकली लिखो आइदर हॉरिजॉन्टली लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अटैच मत करो सबके साथ. अब ये देखो जैसे मैंने लाइंस लगाई है, ये फर्स्ट पूरा ये पेयर है, ये राइमिंग सेट हुआ एक, सेकेंड ये राइमिंग सेट हुआ एक, थर्ड ये हुआ, ऐसे ये है राइमिंग सेट्स, इनको ज्वाइन मत करो किसी के साथ भी, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं अपने होमवर्क की. होमवर्क में मैंने आपको क्या दिया था, होमवर्क नंबर 4 है हमारा, मैंने इसमें आपको दिया था राइट एनी वन राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम प्लांटिंग एंड एनी टू फ्रॉम योर साइड. मतलब कोई एक राइमिंग वर्ड जो कि मेट वीड फन और क्रो से मिलता जुलता है वो प्लांटिंग पोएम से लिखो, और कोई भी दो अपनी मर्जी से लिखो, अपनी मर्जी इन द सेंस मैंने भी आपको एग्जाम्पल्स दिया है उसमें ये सारे वर्ड्स अवेलेबल है ऑलरेडी. तो मैं आपको सर्च करना बताती हूँ. आज मैंने आपको क्या बताया था, इनके जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं एंडिंग साउंड सेम होती हैं. अब अंतिम जो आवाजें सेम है तो अंतिम स्पेलिंग्स भी सेम ही होंगे. तो अब हमें एम ई टी हमारी पोएम में सर्च करना है, तो आप लास्ट के टू वर्ड्स ले लो, ई टी वर्ड ले लो आप. अब ई टी वर्ड आप अपनी पोएम में सर्च करो, तो हम ई टी वर्ड को अपनी पोएम में सर्च करते हैं. देखो इसमें देखो कहीं ई टी वाला वर्ड है, आपको दिख रहा है कहीं ई टी ई टी ई टी. ये देखो आई सेट द सन आई सेट द पॉट अंडर द सिल, ई टी वर्ड आ गया. अब इसको ई टी वर्ड है, अब इसको पूरा क्या बोलेंगे सेट. अब इसको देखो मेट सेट बन रही है राइम, यस बन रही है, बिल्कुल बन रही है. तो इसके साथ आप लिख सकते हो सेट एस ई टी. अब टू वर्ड्स आपको अपनी साइड से भी लिखने हैं, तो वो क्या लिखोगे आप अपनी साइड से. अब मैंने आपको कुछ लिखवाए थे उसमें से जरा देखो, इसमें मेट मेट सेट ई टी वाला ये रहा 16 नंबर पे, देखना वेट गेट मेट लेट ये है, इनमें से कोई भी टू और लिख दो. तो हम यहाँ पे वेट लिख देते हैं डब्ल्यू ई टी वेट, एक हम लिख देते हैं गेट जी ई टी गेट. ये बन गए हमारे, ये हमारा पूरा एक राइमिंग सेट बन गया, ठीक है. सिमिलरली वीड, वीड में क्या करेंगे हम लास्ट के टू वर्ड्स से हम करते हैं, तो लास्ट के टू वर्ड्स चेक करते हैं ई डी वाले वर्ड्स प्लांटिंग पोएम में देखते हैं हम. अब देखो ई डी वाले वर्ड हमें सर्च करने हैं, तो ये देखो पोर्ड चेक्ड टर्न्ड. अब आप बोलोगे कि मैम पोर्ड भी है टर्न्ड भी है और चेक्ड भी है, इनको ट्राई करके देखते हैं. तो वीड चेक्ड टर्न्ड पोर्ड, आप देख रहे हो कोई राइम बन रही है इसमें, नहीं बन रही. तो अब आप क्या करोगे टू की जगह थ्री वर्ड्स लेके देखोगे, आप डबल ई डी सर्च करोगे. अब इसमें डबल ई डी सर्च करो, अब इसमें डबल ई डी डबल ई डी. ये देखो फर्स्ट लाइन में देखो ये आ गया डबल ई डी सीड. तो अब सीड का वीड के साथ है कनेक्शन, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है. तो इसको एस डबल ई डी सीड लिख दिया,
और इससे रिलेटेड अब हम यहां पे सर्च करते हैं अपनी, मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए थे, सीड, वीड, ब्रीड, ब्लीड, डीड, तो कोई भी टू, एनी टू लिख दो, ब्लीड बी एल डबल ई डी ब्लीड, ब्रीड बी आर डबल ई डी ब्रीड, ब्रीड मीन्स नस्लें, जैसे डॉगीज की नस्ल होती है उनको बोलते हैं हम ब्रीड। फन, सिमिलरली फन में क्या करो, लास्ट टू वर्ड्स लिए, लास्ट टू वर्ड्स को आप अपनी पोएम में सर्च करो, फन फन, ये देखो एस यू एन, यू एन वाला वर्ड मिल गया, यू एन वाला वर्ड यहां से लिया और यहां लिख दिया एस यू एन सन, टू वर्ड्स यहां से लिए, सिमिलरली ये नंबर 15 पे देखो आप, ये बन रन यही उठा के यहां पे लिख दिए, सिमिलरली लास्ट क्रो आप ओ डब्ल्यू सर्च करो, ओ डब्ल्यू सर्च करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां पे देखो लास्ट लाइन देखना, ये आ गया ग्रो, ओ डब्ल्यू आ गया, आर ओ डब्ल्यू चेक कर लो चाहे, आर ओ डब्ल्यू आ गया ग्रो, तो यहां पे लिख दिए ना आपने जी आर ओ डब्ल्यू, क्रो ग्रो बन भी रहा है हमने देख लिया, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे देखो 14th वाला थ्रो ग्रो क्रो ब्लो सो, तो यहां पे कुछ कोई भी दो लिख दो आप, ग्रो लिख दिया हमने, क्रो भी हो गया, ब्लो और थ्रो, आई होप कि अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इन केस अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, थैंक यू।